हमने यहाँ पे टायर भी जलाए जा रहे हैं। ओ यार मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान। खैर अब यहाँ से निकलना मसला दे था जी। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ पर अभी क्या ढूंढ रहे हैं? ये लोया निकाल रहे हैं जी, मिट्टी जी नट बोल्ट टिका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और फाइनली जनाब मैं अब मोटरसाइकिल पे दोबारा आ गया हूँ वापस। मैं पिछले 3-4 दिनों से पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में था, बाइक की थोड़ी सेटिंग करवाई है। ठीक है, ये खड़ा है जी हमारा यहाँ मुबीन साहब जो है ना, खुद को यहाँ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मुबीन भाई आप क्या करते हैं, बाइक हमारे ठीक हो जाएगा अभी? सर बेहतरीन है। वर नाम क्या यार? फरियाद ये फरियाद भाई जो है वो हमारे यहाँ पे उसको जरा दोबारा से कर रहे हैं। और ये जो है इस तरफ मैंने जो है ना अपना ये लिया सामान कॉडलॉक से, जिसने मुझे स्पॉन्सर भी किया मेरे अगले ट्रिप के लिए। तो कॉडलॉक ने मुझे ये भेजा था, इसका जो है मोबाइल होल्डर का, इसका चार्जर है वायरलेस चार्जर जो कि इसका वेदर प्रूफ है, ये उसका वाइब्रेशन डैम्पनर है, ये हैंडल बार माउंट उसका जो है ये है, और साथ में जो है ये उसका चार्जर है। ये सारा कुछ मुझे भेजा कॉडलॉक ने, प्लस जो है ये एक मैं इसके साथ एक्स्ट्रा लगाऊंगा जब इसको कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ कभी किसी मिरर पे या यहाँ पे लगाने के लिए, उसके लिए मुझे इस पर एक्स्ट्रा भेजा हुआ था कॉडलॉक ने। तो हम इसको लगाएंगे, ये भी इसका एक वाइब्रेशन डैम्पनर है, हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो इसे काम करते हैं। नहीं जी हमारी जो है बिल्लो हमारी हो गई है रेडी। इसमें हमने क्या करवाया है, इसमें हमने इसका जो है कॉर्ड लगा के उसको सिस्टम जो है जो हमने दिखाया मैंने आपको मैंने वो लगवाया है, जो कि इसमें चार्जिंग होता रहेगा मेरा मोबाइल फ़ोन, और ये जो है इसका मोबाइल फोन ख़राब भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें लगे हुए हैं वाइब्रेशन डैम्पनर। जो बैटरी वगैरह जो हैं उनको चार्ज करने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉक्स लगाया है। इस दफ़ा मैं टैंक बॉक्स इसके जो है टैंक पैक तो मैं वो नहीं इस दफ़ा ले रहा, टैंक पैक की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि लास्ट टाइम उससे कभी प्रॉब्लम से हुए थे। एक्स्ट्रा लाइट्स इसकी जो है ये लगवाई है मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम मतलब क्या हुआ था। और बाकी इसका जो है जो मेन चीज़ें जो इसकी थी इंजन की उसके जो है वो काम करवाया है, इसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो चेंज करवाई हैं, क्लच प्लेट्स इसकी इसका बाकी फ़िल्टर वगैरह जो इसका जो वो चेंज करवाया सारा, ऑयल फ़िल्टर, फ्यूल फ़िल्टर, एयर फिल्टर, इसकी जो है चेन वो इसकी ठीक करवाई है, इसकी चेन इसकी जो है वो ठीक हो गई है अभी। और इसके जो है शॉक तौर पर जो हमने जो लास्ट टाइम इसने हमें प्रॉब्लम किया था तो अब वो कहते हैं कि अब वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। फिर भावलपुर आया हूँ, अभी हम यहाँ भावलपुर के जो है ये इसका मेन तो खैर नहीं है, ये है इसका कौन सा चौक है, ये नहर वाला चौक इसे कहते हैं, नहर वाला चौक। तो अभी हमारा सफ़र हो रहा है जी शुरू टूवर्ड्स लाहौर। यहाँ पे थोड़ा सा और काम है करने वाला इस मोटरसाइकिल के सामान के लिए, साइड पैनियर्स के लिए। तो क्यों ना हम आपको थोड़ा सा बहावलपुर में अपने साथ लेके चलें, शहर में आपको दिखाएं कि हम इस टाइम कहाँ पर हैं। ये हमारी जो है इस टाइम हमारी सामने जो है जेल रोड है, जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, यहाँ पर मेरा जो है पैदा मैं इसके नज़दीक ही हुआ था जहाँ से मुड़े हैं, और यहाँ पे जो सारा हमारा बचपन गुजरा है जी जेल रोड, और आगे सामने जो है वो जेल की दीवारें हमें नज़र आएंगी। तो इतना अच्छा इंप्रेशन मैं आपको पहला भावलपुर का नहीं दे रहा जेल की सैर करवा के, लेकिन जब मैं आया हूँ काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो लाहौर में जो है वहाँ पर देखा वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक है, और लेकिन भावलपुर एज़ कम्पेयर टू लाहौर बहुत ही पुरसकून, बहुत ही यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ग्रीनरी यहाँ पे काफ़ी होगी, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है ना उन लोगों ने ग्रीनरी जो है इसको काफ़ी इसके ऊपर फोकस किया हुआ है, और बहुत अच्छी बात है ये। तो हमारे जो है राइट हैंड पे इस टाइम जी ये है जेल, सेंट्रल जेल ऑफ भावलपुर। तो मेरा प्लान आज का ये है कि मैं आज आपको अपने साथ ले कर जा रहा हूँ जी टूवर्ड साहिवाल। इस टाइम बज रहे हैं शाम के दोपहर के 3, तो हम आज रात का हमारा स्टे होगा साहिवाल की तरफ, जो कि तकरीबन यहाँ से है कोई 250-350 किलोमीटर भावलपुर से, रात में वहाँ गुजारूँगा अपने एक दोस्त के पास। तो इस सफ़र में मैं आपको बताऊँगा कि हमारा अगला प्लान क्या है, कि हम जो है हमारा आगे के यहाँ से हमारा सफ़र अब शुरू हो रहा है वो प्लान इसका क्या है।
तो इस सफ़र के इस वीडियो के एंड तक आपको मेरे पूरे प्लान का पता लग जाएगा। जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड इट्स गुड टू बी बैक ऑन बिल्लो एंड टॉकिंग टू यू फ्रॉम द मोटरसाइकिल नॉट बाय ट्रेन प्लेन और कार। हमारे राइट हैंड पे है जी बहावलपुर का मेन बस स्टॉप। यहाँ से आपको बसें मिलेंगी टूवर्ड्स एवरीवेयर इन पाकिस्तान, एवरी कॉर्नर, साउथ पंजाब, केपीके, सिंध, कैपिटल इस्लामाबाद। और इसके इस तरफ जो है हमारे अपोजिट, वहाँ पे आपको बस स्टॉप के सामने जो गाड़ियों का सामान, टायर्स और एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्स वो आपको यहाँ मिलेगी। और ट्रैफिक यहाँ पे जो है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं लाहौर के साथ या रावलपिंडी के साथ या फिर कराची को, तो फिर तो आप भूल ही जाएं कि उस ट्रैफिक में यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना और इस गर्मी में गुजरना। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक कुछ बेहतर है। We are crossing now the river called Satluj river। और पंजाब जो है, the province of पंजाब, मतलब इसका है पंजाब। इसमें इसका पंज का मतलब है पांच और आब का मतलब है पानी, यानी पांच दरियाओं की सरजमीन से कहते हैं पंजाब। और ये दरिया जो है सतलुज, इस टाइम तो ये खैर ये खुश्क हुआ पड़ा है, एक ज़माना था कि जब ये दरिया फुल हुआ करता था। अब याद है आज तक कि मैं यहाँ पर आया करता था और यहाँ पे आके हम इंजॉय करते थे। तो ये उन पांच दरियाओं में से एक दरिया है जी सतलुज। लेकिन देखें जी हमारे आसपास आपको नज़र आ रहा है कि मकई जो है वो बिल्कुल तैयार हुई खड़ी है। और मेरे ख्याल में कोई दो से तीन हफ्तों के दौरान जो है इसका कटाई का अमल शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ से मुझे जब मैं आ भी रहा था यहाँ पर, तो काफ़ी खूबसूरत मुझे इसके व्यू नज़र आ रहे थे। ये ग्रीनरी है यहाँ पर सारी और अच्छी खूबसूरती यहाँ पर नज़र आ रही थी। अब हमारा सफ़र जो है यहाँ से आज शुरू हो गया है। अभी हम जा रहे हैं लाहौर, साहिबा लाहौर, फिर उसके बाद आगे इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन हमारा अल्टीमेट सफ़र जो है वो शुरू होगा हमारा मंडे को, नेक्स्ट वीक 15th को। तो जो मेरा इस दफ़ा का जो मेरा सफ़र है उसके तीन लेग्स हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहली लेग वो ये है कि हम जाएंगे अफ़गानिस्तान। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे तुर्कमानिस्तान का ट्रांज़िट वीज़ा मिल जाए। उसको मुझे एक महीने से ज़्यादा हो गया उसको मैंने अप्लाई किया है तुर्कमानिस्तान के वीज़े को, और अभी तक मुझे आज मैंने फ़ोन किया उनसे रब्ता किया तो मुझे अभी तक आज तक तो मुझे उनका जो है वो वीज़ा नहीं मिला। तो कोशिश करूँगा कि मुझे उसका, अगर मुझे वीज़ा मिल जाता तुर्कमानिस्तान का, सो दिस विल बी अमेजिंग। तो अफ़गानिस्तान के बाद फिर हम जाएँगे ताजिकिस्तान, वही सेम रूट जब हम आए थे, वहाँ से हम जाएंगे उज़्बेकिस्तान, वहाँ से हम एंटर होंगे फिर तुर्कमानिस्तान में। तुर्कमानिस्तान के जो पाँच दिन का हमें अगर मिलता है ट्रांज़िट वीज़ा, तो फिर हम वो देखेंगे तुर्कमानिस्तान को, मैं आपको वो दिखाऊंगा। और फिर हम चले जाएंगे ईरान की तरफ। ईरान का हम साउथ और नॉर्थ, स्पेशली उसका नॉर्थ पार्ट जो है क्लोज टू आज़रबाईजान, तो वो काफ़ी खूबसूरत है, कैस्पियन सी के पास वो काफ़ी खूबसूरत है, तो वो दिखाएँगे चल के आपको। और फिर उसके बाद हम जाएंगे जनाब वहाँ से बंदर अब्बास और चाबहार की तरफ आएंगे हम टूवर्ड साउथ, और वहाँ से हम एंटर होंगे जनाब फिर पाकिस्तान की तरफ। उसका मुझे अभी अंदाज़ा नहीं कि वहाँ से मैं कौन सा बॉर्डर लूँगा पाकिस्तान आने के लिए। आया वो ताफ्तान का बॉर्डर होगा शायद, वो अकेला एक वही बॉर्डर है कि जो ओपन है, तो वो देखेंगे। ये तो है हमारी एक लेग वन, अगर इन केस अगर हमें तुर्कमानिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। और अगर मुझे तुर्कमानिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता तो फिर मैं, जाहिर बात है फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं जाऊंगा अफ़गानिस्तान से टूवर्ड ईरान। ईरान वही रूट जो है मेरा नॉर्थ, कैस्पियन सी के पास, उसके आज़रबाईजान के साथ वहाँ से, और फिर वहाँ से होते वापस हम बंदर अब्बास और चाबहार की तरफ आएँगे, और वहाँ से फिर वापस हम पाकिस्तान में एंटर होंगे अगर हमें तुर्कमानिस्तान का वीज़ा नहीं मिलता। उसके बाद का जो हमारा प्लान है, फिर हम जाएंगे वहाँ से कराची,
और कराची से हमारा सफ़र शुरू होगा, हमारी लेग टू शुरू होगी जो कि हमारी फिर आगे जाएगी टूवर्ड्स मलेशिया। यस, मैं आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ जी टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया और आपको वो दिखाएंगे। तो हम अपना बाइक वहाँ शिफ्ट कराएंगे टूवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया टूवर्ड्स मलेशिया और वहाँ से फिर आगे का जो टूर है उसका फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगली लेग में कि उसका प्लान हमारा क्या होने वाला है। लेकिन शिप करने के बाद कराची से मलेशिया शिप करने का जो टाइम है उस टाइम में तकरीबन को लगेंगे उसमें 2 हफ्ते। उन 2 हफ्तों में एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा तब जब मैं वहां पे पहुंचूंगा और जब मैं अपने बाइक को शिप कर रहा हूँगा टूवर्ड्स मलेशिया। तो वो सरप्राइज़ मैं आप अभी अपने ज़रा अपने साथ रखता हूँ ताकि थोड़ा सा सस्पेंस भी रहे और हमारा जो है सफ़र भी साथ में अच्छा चलता रहे। तो आपसे उम्मीद है कि जो है हमें तुर्कमानिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरी एक वो जो सी आखिरी सेंट्रल एशियन स्टेट, बाकी सारी मैंने कवर कर ली हुई हैं, सिर्फ एक वो ही रहती है, तो मैं आपको वो दिखा पाऊँगा। लेट्स सी। पाकिस्तान में आज जो है एक पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, इमरान खान को उन्होंने गिरफ़्तार किया है। तो अब तकरीबन आधा घंटा पहले गिरफ़्तार किया उन्होंने इमरान खान को और अब यहाँ जीटी रोड पे आप देखेंगे सारे ट्रकों ने जो है रास्ता सारा ब्लॉक किया हुआ है और होपफुली कि शायद वो हमें जाने दें वरना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रकों ने सारा जो है रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और ये सारे हैं। ये कौन कौन खड़े हुए हैं? क्यों? अच्छा अच्छा, सामने हमने यहाँ पर टायर भी जलाए जा रहे हैं। ओ, यहाँ पर टायर भी जलाए जा रहे हैं जनाब। और आपके सामने नज़र आ रहा है कि सारी जो है जीटी रोड वो ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक होना शुरू हो गई है। और ये हालात जो हैं वो अच्छे होते नज़र नहीं आ रहे मुझे। एनीवेज होपफुली कि ये अच्छा रहेगा अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में बल्कि, और हम अपना सफ़र भी आगे जारी रख सकेंगे और बाकी भी जो लोग हैं सारे वो अपने सफ़र आगे जारी रख सकेंगे। नहीं जी, हम खानेवाल से भी हम कुछ आगे आ गए हैं और हमारे इस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं शायद घोड़े जो हैं मज़े से घास खा रहे हैं और हमारे सामने आपको नज़र आ रही है कि ट्रैफिक जो है फिर से जैम होना शुरू हो गई है। जीटी रोड फिर से बंद होना शुरू हो गई है। पहले वहाँ बंद थी, बीच में जब मैं आता गया हूँ तो रास्ते में कुछ भी नहीं था, तो मैं काफ़ी स्पीड से आया। मैंने आपको दिखाया भी तकरीबन 125-130 स्पीड पे आया हूँ और वो सारे ट्रक और सारी बसें जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो रही थी शायद। तो अब यहाँ पे जो है सारा कुछ बंद है एंड देखते हैं कि हमें यहाँ से अब आगे जाना हमारा बनता है कि नहीं बनता। लेट्स सी। यार ये ट्रक वाले ने दरवाज़ा खोला हुआ है, वो हवा वो हवा लगवा रहा है अपने आप को। सारे के यहाँ पे सारी ट्रैफिक जो है वो जैम है। उस तरफ यार वो काफ़ी धुआं नज़र मुझे आ रहा है वहाँ पे, वो धुआं किस चीज़ का है? क्या कुछ वहाँ पे कोई वो भी इस तरह कोई डेमोंस्ट्रेशन हो रहा है या कुछ वहाँ पे वाकई में कोई बड़ी आग लगी हुई है? हाजी साहब, यहाँ पे आगे जो है कुर्सियाँ रख के सड़क ब्लॉक की हुई है उन्होंने, ट्रक भी बीच में खड़ा किया हुआ है, टायर भी यहाँ पे जल रहे हैं जनाब। तो देखें अगर हम यहाँ से वो आगे जाने देते हैं तो। हट जाओ भाई जी, हट जाओ। यहाँ पे जमात नमाज का यहाँ पे काम हो रहा है। यार मैं जा रहा हूँ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान? हाँ। किधर से आ रहे हैं? आ रहा हूँ मैं भावलपुर से। क्या हाल है आपके? फिर अब यहाँ से निकलना। चलो निकल के यहाँ से। तो भी शुक्र है कि हमारे पास जो है पीछे हमारे पैनियर्स नहीं हैं। यार जगह नहीं है मेरे पास।
लोग कहते हैं कि शायद हम इनको साथ लेते जाऊं, मुझे रास्ते में दो तीन लोगों ने इशारा किया था कि मेरे पीछे पड़ा हुआ बैग, तो जगह है नहीं। यहाँ पर अब एक और जगह पे जी लगा हुआ है ये ट्रैफिक जैम। लेट्स सी कि यहाँ पे हमें रोकते हैं कि नहीं रोकते। और पूरी जीटी रोड जब मैं यहाँ से वापस आया था आ रहा था उस टाइम, तो पहले यहाँ पे टोटल फुल था, इतनी ट्रैफिक, इतनी गाड़ियाँ, इतने मोटरसाइकिल, इतने लोग। और अभी अब आते हैं जहाँ रास्ते मुझे एक भी चीज़ नज़र नहीं, और मैं काफ़ी स्पीड से गुजर के आ गया। ओ ओ ओ, ओ। यहाँ से तो अब जो है हमारा रास्ता मुश्किल लग रहा है मुझे। लेट्स सी तो भैया ने एक हाथ में टेलीफोन पकड़ा हुआ और एक हाथ से जो है वो बाइक चला रहा है लहराता हुआ जा रहा है। और अब यहाँ पे कोई रास्ता है कहीं, विदाउट यहाँ से निकल जाएं। ओके, ये हालत हो रही है जीटी रोड की। कहाँ से निकलें जी अब, इज देयर अ वे, बेहतर है कि हम यहाँ से निकलें। आगे तो काफ़ी सारी ट्रैफिक जैम है इस साथ। और यहाँ से अब छोटे क्या हाल है, लेट्स सी लेट्स सी। सो ले जी यहाँ पे तो तकरीरें शुरू हो गई हैं। वाह, सियासत घर बचानी है, रियासत छीन लो इनसे, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। ले जी, वाह, यहाँ पे जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं। इसका मैंने फिल्म भी किया कि नहीं किया। यहाँ से आ जाएगा, तो ये तो अच्छी बात है कि ये जो है हमें यहाँ से रास्ता दिला रहे हैं। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सो अब यहाँ से इस तरफ है या हम इधर में से गुजरे, कैन वी गो फ्रॉम हियर। ओके, सो चलो जी यहाँ से भी निकल आए। ये तो काम बढ़ता ही जा रहा है यार। ये देखें यहाँ पर भी सारी जीटी रोड जो ब्लॉक है। अभी हम कहाँ पर हैं, हम मियाँ चन्नू हम क्रॉस कर चुके हैं। ये मियाँ चन्नू ही है आई गेस। तो पीछे से आपने देखा होगा कि हमारे
साथ साथ जो है रोड के साथ जीटी रोड के साथ ट्रेन लाइन जा रही है, उस लाइन के साथ परली तरफ जो है वहाँ पे सारा जंगल था, तो वहाँ से बड़ी मज़े की ठंडी हवा आ रही थी यार, बहुत मज़ा आया। ताहिवाल शहर में तो गए पहुँच, शाम भी हो गई है इस टाइम, मगरिब भी होने वाली है, तो अच्छा है कि हम टाइम टाइम से जो है यहाँ पे हम पहुँच गए। अब मेरा फर्स्ट टाइम है साहिवाल में, तो इसी बहाने हम थोड़ी सी साहिवाल की सैर भी कर लेंगे। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, तो मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ, रात उनके पास स्टे करेंगे, उनसे मिले भी जो है मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, तो रात उनके पास रहेंगे, उनके पास उनसे गपशप करेंगे, थोड़ा सा शहर में शायद घूमूंगा मैं उनके साथ, और फिर उसके बाद आपको जो है सुबह अपने साथ लाहौर लेके चलेंगे, जहाँ पे हमारा कल थोड़ा सा बिल्लों का काम होना है, बिल्लों का काम से हो गया, इसके जो है साइड पैनियर्स मैंने वो बनवाने हैं, उसका रैक बनवाना है मैंने, तो सुबह इंशाल्लाह फिर हम आपको अपने साथ लाहौर लेके चलेंगे। ये हैं जी गलियाँ साहिवाल की, यार ये पुरानी को रोड लग रही है मुझे, और इस तरफ जो है ये तो खैर इस तरफ मुझे नज़र आ रहा है शायद ये है नहर, ये पुरानी को दीवार नज़र आ रही है मुझे। फिर आपसे मिलता हूँ जनाब अब कल सुबह फ्रॉम साहिवाल। यार आप यहाँ पे सनसेट ज़रा चेक करें, वाओ लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनसेट, नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो मुझे व्यू आ रहा है वो बहुत शानदार है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हमारा जो अगला दिन शुरू हो चुका है, नाश्ता हमने किया है, नाश्ते में हमने जनाब सिर्फ जो है ना हमने सिंपल नाश्ता किया था, चाय ब्रेड और आमलेट, ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आ गया नाश्ते में, और मैं थोड़ा सा तक मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट जो लेट हो गया हूँ आज निकलने में, लेकिन होपफुली कि हम वहाँ टाइम पे पहुँच जाएंगे। 10 बजे हमने वहाँ पहुँचना है जी लाहौर में मैकेनिक की वर्कशॉप में, जहाँ पे उसने काम करना है इसका, तो वी आर ऑन द वे टू लाहौर। तो आज का हमारा सफ़र जो है वो है तकरीबन कोई 125 किलोमीटर, 175-160 किलोमीटर है ऐसे कुछ, तो इतना लंबा नहीं है, ऐसे सफ़र का कोई ऐसा मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि इंटरनेट किया हुआ है बंद गवर्नमेंट ने, तो मेरे पास मोबाइल पे जो है इंटरनेट नहीं चल रहा, और ना कि मेरे पास के म्यूज़िक है। हम इस टाइम पहुँचे हैं जी ओकाड़ा में, और रोड पे जो है काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर, और इस तरफ हमारे ये लगे हुए हैं सनफ्लावर, यहाँ पर भी लोग बाइकर को देखे काफ़ी सलाम दुआ कर, इस तरह रशिया में था, लेकिन रशिया में तो फिर एक्सट्रीम है ना, वहाँ पर जो लोगों का प्यार है बाइकर के साथ वो तो फिर नेक्स्ट लेवल है। जी मैं यहाँ लाहौर में आ गया हूँ, इस दुकान के साथ वाली दुकान में जो जहाँ मैंने आना था उनकी शॉप पे आना था मैंने, तो वो अभी तक वहाँ पर नहीं आए, तो यहाँ पर जो ये भाई हैं इन लोगों ने मुझे यहाँ अपने पास बिठाया है, चाय पिलाई है मुझे, तो ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है भाई? हशमत अली जी। हशमत अली जी जी, आप क्या कर रहे हैं? ये हम कबार का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, तो आपके हाथ में ये क्या है? ये मतला देख है जी। अच्छा हाँ जी, तो यहाँ पर अभी क्या ढूंढ रहे हैं? ये लोहा निकाल रहे हैं जी, मिट्टी जो नट बोल्ट डिग्गा। अच्छा, तो मिट्टी फिर कहाँ से लिया आपने? ये बाहर से लाया स्क्रैप, वो गंद पेल बेच आ गया। अच्छा, लोहा हमने इधर डाल दिया, वो निका मोटा कचरा हम निकाल रहे हैं जी। अच्छा हाँ जी, तो इसके फिर क्या करेंगे आप? इसको लोहे में फेंक देंगे, गंद बाहर टप्पों में डाल देंगे। अच्छा, ये सारा लोहा ये फिर कहाँ से आया आपके पास? सारी गाड़ियाँ वगैरह क्या है ये? स्क्रैप बंद रोड पे वर्कशॉपों में खरीद रहे हैं। अच्छा, हम अपना होलसेल का काम है जी, खेती बार इतनी हम लेते। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो ये हाँ जी हशमत भाई, मैं चल के दिखाता हूँ आपको हमारी जो है जहाँ पे हमने जाना है अभी, तो इस जगह पे मैं आया हूँ जी, ये हमारी बिल्ला यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका अभी काम होना शुरू होना, अभी हशमत जो है हमारे जो मैकेनिक है वो अभी नहीं आए, तो यहाँ पे ये इनका। अच्छा, अगर तो और भी बाइक खड़े हुए, क्या हाल है जी?
अभी तक नहीं आए वो अपना हमारे पिल्लो की जो है हमारे पिल्लो के बन रहे हैं हमारे फ्रेम साइड रैक्स हमारे लगेज के लिए जो कि मैं ऑफिस से अपने साथ लेके नहीं आ सकता क्योंकि काफ़ी हैवी थे तो जहाँ पे बन रहे हैं वो और हम उसके यहाँ पे जो है ना फ्रॉम स्क्रैच हम उसको बना रहे हैं। हाँ जी हो जाएंगे ना आज हो जाएंगे ये कब तक आठ नौ बजेंगे तो नहीं मैं कह रहा कि आठ नौ बज जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर हम आपको लेके चलाएंगे इस्लामाबाद की तरह। ऐसे आ गए हाँ अच्छा घुमा के ले आए हो जी ले जी हमारी हैंडमेड फ्रेम जो यहाँ पे आ रही है जबरदस्त नहीं ये हमारी फ्रेम्स हैं बन के आ गई हैं तो आप उसको यहाँ फिटिंग कर रहे हैं और उसके बाद मैं चाहूँगा हालात में ख़राब हैं मेरा प्लान था कि मैं अपना सफ़र आज ही आगे रखूँगा जा रही इस्लामाबाद की तरफ लेकिन क्योंकि हालात इस टाइम जो है यहाँ पे ख़राब हैं थोड़े से जीजी रोड पे आगे भी कुछ सुने की प्रॉब्लम्स हैं तो मैं रात को यहीं पर रुक रहा हूँ लाहौर में और कल सुबह जो है इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगा जाने की इस्लामाबाद और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ये प्रेपरेशन जो है सफ़र की उसे मैंने क्या क्या लगा रहा हूँ क्या सिस्टम है मेरे बाइक का अगले सफ़र के लिए मेरा जो लगेज सिस्टम है वो क्या है प्लान मैंने पहले बता दिया हुआ है लेकिन हमने जाना है अगली वीडियो में हमने जाके एक दो वीज़े लेने हैं तो आपको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा उन वीज़ों के लिए तो इस वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ शाम हो गई वैसे भी अपना बाइक में लेकर जाऊंगा घर तो फिर इंशाल्लाह आपसे अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।